हेलो एवरीवन, देखिए एक्सरसाइज 1.3। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच है। देखो सबसे पहले तो आपको इसको राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म में लिखना है इनको, ठीक है। डेसिमल फॉर्म में मतलब डिवाइड करके जो भी होगा, ठीक है, डेसिमल फॉर्म में हमने लिख देना है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन में मतलब डेसिमल एक्सपेंशन कितनी तरह की होती है, ये मैंने आपको बताया था। इसका आप फर्स्ट वीडियो देखना इस चैप्टर की, इंट्रोडक्शन वाली, उसमें मैंने बताया था रैशनल और इरेशनल नंबर के अंदर। देखो उसमें क्या होता था, एक आते थे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और एक आते थे नॉन टर्मिनेटिंग एंड कौन से होते थे, रिकरिंग या रिपीटिंग। आ रहा है समझ में कुछ, ठीक है। और एक होते थे आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग, समझ रहे हो ये चीज़ें, ठीक है। अब देखो ये जो दो नंबर्स होते थे टर्मिनेटिंग वाले और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये तो आते थे रैशनल नंबर्स में, और इरेशनल नंबर में कौन से आते थे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग, याद आया कुछ, ठीक है। तो बस वही करना है, पहले तो आप इसको डेसिमल फॉर्म में लिखो, उसके बाद हम देखते हैं कि वो किस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन होगी, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, 36/100, इसको डिवाइड करते हैं। देखो ये 36 यहाँ जाएगा और 100 यहाँ जाएगा, यही होता है। देखो ये तो सब आपको पता है ना, ये क्या होता है, डिवाइज़र होता है, और ये क्या होता है, डिविडेंड होता है, और जो यहाँ आएगा ऊपर ये क्या होता है, क्वोशेंट। जैसे मान लो एक सिंपल सा करके दिखाते हैं, जैसे 5/2 है, ठीक है, इसको डिवाइड करना है हमें, ठीक है, 5 और ये रहा 2, 2 2 4 और ये रहा 1। तो ये क्या होता है आपके पास, क्वोशेंट, ये क्या होता है, डिवाइज़र, ये क्या होता है, डिविडेंड, और ये क्या होता है, रिमाइंडर। याद रहेगा, डिवाइज़र, क्वोशेंट, डिविडेंड, रिमाइंडर, क्लियर इतनी बात। अब देखो जरा ये डिवाइड करना है हमें, देखो क्या ये जाता है इस पर, नहीं जा रहा, तो क्या करोगे, पॉइंट लगाओगे या नहीं, अब क्या करेंगे बताओ, जीरो लग जाएगा इसमें। अब किस पे जाएगा ये, 100 3 300, आ रहा है समझ में। देखो क्या हुआ, पहले 36 था अंदर, तो हमें साफ ही पता चल रहा था ये जाएगा ही नहीं किसी पे, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा जीरो लेनी पड़ेगी, तो एक्स्ट्रा जीरो के लिए क्या किया मैंने, पॉइंट लगाया फिर, क्लियर इतनी बात आ रही है समझ में, ठीक है। अब देखो जरा, अब यहाँ से कितना आ गया, 60, अब एक जीरो और आ जाएगी, और 100 6 600, रिमाइंडर कितना आ गया, जीरो आ गया, क्लियर इतनी बात। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन जो ये आंसर आया है हमारे पास, कितना आया है, 0.36, ये जो आंसर आया है ये कैसा है, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह की है बताओ, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है रिपीटिंग में, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में, बताओ। पहले तो ये देख लो ना आप, रिमाइंडर जीरो आ गया, रिमाइंडर जीरो मतलब ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, इसका मतलब ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया डेसिमल। तो ये कैसे है एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल से ही, कैसे हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्या इतनी बात क्लियर हो रही है या नहीं, सिंपल से क्वेश्चन है बहुत। देखो अगला, देखो सेकंड पार्ट क्या है, 1/11, बस डिवीजन आनी चाहिए आपको और पहचानना आना चाहिए डेसिमल किस तरह का है। देखो 1/11 आ गया, तो 1/11 को डिवाइड करते हैं, देखो ये रहा 1 अंदर और 11 इधर, ठीक है। अब देखो जरा ये जाता है क्या इस पे? नहीं जाता, तो एक जीरो लगेगी तो मतलब यहाँ पॉइंट आ गया, ठीक है। अब क्या जाएगा ये, देखो नहीं जा रहा, अभी भी नहीं जा रहा, मतलब एक जीरो और आएगी, अगर एक जीरो और आ रही है तो यहाँ पर एक जीरो एक्स्ट्रा आएगी, ये तो आती है ना डिवीजन, पहले देख लेना नहीं जा रहा तो पॉइंट लग गया, फिर अगर अगेन नहीं जा रहा तो फिर क्या होगा, एक और जीरो आएगी इधर, तो यहाँ जीरो आ गया। अब किस पे जाएगा ये, 11, बताओ 9 का कितना होगा, 99, फिर क्या आ गया, 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया। अब क्या करोगे बताओ, जीरो तो ऑटोमेटिकली आती है, क्या अब जा रहा है ये, नहीं जा रहा, तो इसका मतलब एक एक्स्ट्रा जीरो और लेनी पड़ेगी, और अगर एक एक्स्ट्रा जीरो आ रही है तो यहाँ भी जीरो आएगी, फिर अगेन 11 9 का 99, आ रहा है समझ में, फिर अगेन 1। अब देखो जरा इन क्वेश्चंस में क्या देखना होता है, जैसे मान लो रिमाइंडर क्या हो रहा है, वही आ रहा है जो आपका क्या था, डिविडेंड, तो आप खुद समझ जाना, अगर रिमाइंडर वही आ रहा है जो डिविडेंड था, तो आप जितना मर्जी आगे करते चले जाओ हमेशा क्या होगा, ये रिपीट कर जाएंगे नंबर्स। देखो जैसे यहाँ पर 1 आ गया था पहले, तो मैं यहाँ भी छोड़ सकता था क्वेश्चन, और कहता ये कैसा है, रिपीटिंग है, कैसा है, रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेट होगा, क्योंकि अगेन एंड अगेन क्या होगा, 1 1 रिमाइंडर आएगा, देख लो चाहे करके, देखो एक जीरो हमने ऑटोमेटिकली आती है, ठीक है, क्या ये जा रहा है, नहीं जा रहा, फिर एक जीरो आएगी तो एक जीरो, फिर 11 9 99, फिर अगेन क्या हो रहा है, देखो 1। तो आप समझ जाना, जब रिमाइंडर वही आ जाए जो डिविडेंड है, तो हमेशा रिमाइंडर वही आता रहेगा, तो बस आपको फिर आगे करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ यहीं तक करना था, ये 1 आ गया था, फिर आपने देख लिया कि ओह ये तो रिमाइंडर वही आ रहा है जो कि क्या था, डिविडेंड था, जो यहाँ था पहले हमने 1 रखा था ना ये अंदर, और वही रिमाइंडर आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा, ये रिपीट करेगी वैल्यू, 9 11 9 99 करके क्या आ गया था, 1 आ गया था, तो इसका मतलब ये पूरी टर्म क्या होगी, रिपीट होगी, और यही तो हो रहा है देखो। और कैसा है ये, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग तो आपको करते रहोगे तो क्या होगा, टर्मिनेट ही नहीं होगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, सीधी सी बात है, नॉन टर्मिनेट आप कैसे पता कर रहे हो, ये रिमाइंडर देखो क्या आ रहा है, जो डिविडेंड था वही रिमाइंडर आ गया,
तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेट और रिपीटिंग। अगर रिपीटिंग हो रहा है सीधी सी बात है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग हो रहा है बार बार रिपीट हो रहा है तो नॉन टर्मिनेट नंबर है। समझ में आ रही है बात? तो अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ आंसर में, 0.09। अब ये रिपीट हो रहा है बार बार तो मैं यहाँ बार लगा देता हूँ, उतने नंबर पे ही बार लगाना जो रिपीट हो रहे हैं, तो 0909 बार बार आ रहा है तो रिपीट हो गया। और मैंने आपको बताया ये पूरी रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप देख लो रिमाइंडर वही आ जाए जो क्या है डिविडेंड, तो आप समझ लेना हमेशा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या रिकरिंग और रिपीटिंग, कुछ भी लिख सकते हो आपकी इच्छा, बताओ समझ में आ रहा है या नहीं। तो ये आपके पास इसका आंसर था, ओके ठीक है। अब देखो जरा थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसका। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है ये, थर्ड पार्ट में है आपके पास देखो 4 और ये रहा 1/8। तो इसको सोल्व कैसे करते हैं, ऐसे नंबर को इसको मल्टीप्लाई करो, 8 4 32 और ये ऊपर वाला नंबर ऐड हो जाएगा, 8 4 32 और 1 कितना हो गया 33 और नीचे जो था वही 8, तो 33/8 आया नंबर। तो 33 को डिवाइड करो अब 8 से, देखते हैं 33 को 8 से देखो क्या आएगा, 8 4 32 1, अब देखो 0 आएगी तो यहाँ पॉइंट आ गया, फिर 8 1 8 2 0 ऑटोमेटिकली आएगी, एंड 8 2 16 फिर क्या आएगा 4 0 और 8 5 40, इसमें तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये कैसा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कैसा डेसिमल है ये, टर्मिनेट। तो 4.125 इज योर आंसर, एंड कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है ये, टर्मिनेटिंग, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर? तो दो बातें आपको पता चली हैं, क्या अगर तो रिमाइंडर 0 आ जाए तो कैसा डेसिमल होता है, टर्मिनेटिंग, और अगर रिमाइंडर वही आ जाए जो कि क्या है डिविडेंड था आपका तो क्या होगा वो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। कितनी बात क्लियर है या नहीं, क्लियर। देखो इसका फोर्थ पार्ट में क्या है हमारे पास, 3/13 इसको देखना है करके। तो 3/13 को कैसे करोगे, देखो डिवाइड कर लेते हैं, 3 यहाँ और 13 यहाँ, पहले ही पता चल रहा है नहीं जा रहा, 0 लगेगी और यहाँ क्या हो जाएगा, पॉइंट लगेगा, ठीक है। 13 2 26 कितना आएगा, 4 और ये 0, 13 3 39 1 0 ऑटोमेटिकली आएगा, क्या ये जाएगा अगेन, नहीं जा रहा तो क्या होगा, 1 0 एक्स्ट्रा आएगी, अगर एक्स्ट्रा 0 है तो 1 0 और यहाँ पर आ जाएगा। अब किस पे जाएगा ये देखो, 13 7 कितना होता है 91, 13 7 91 तो कितना आ गया ये यहाँ पर हमारे पास 9, फिर क्या आएगा 0, ठीक है। और किस पे जाएगा अब ये बताओ, 13 6 78 क्लियर। तो 13 6 78 कितना आ जाएगा यहाँ पर आपके पास, ये 2, 10 में से 8 गया 2 और यहाँ 8 में से 7 गया 1, ठीक है। फिर अगेन क्या होगा, 0 आएगी, अब किस पे जा सकता है ये, 13 9 1 1 7 और 10 में से 7 गया कितना होता है 3 और ये 0, ठीक है 3 आया। अब देखो ज़रा क्या मैं इसको करूँगा आगे, खुद सोचो आप, क्यों नहीं करूँगा मैं, क्योंकि ये 3 आ गया और 3 ही क्या था मेरे पास, जिसको डिवाइड करना था, ये देखो 3 था ना अंदर, तो रिमाइंडर वही आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा, अब ये रिपीट करेगा, तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, 0.230769। अब ये पूरा नंबर दोबारा से रिपीट कर जाएगा, समझ रहे हो, यही होता रहेगा। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर है, और कैसा है ये, नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही है, ठीक है, एंड कैसा है, रिपीटिंग या रिकरिंग, क्लियर या नहीं, सिंपल सी बात थी, ठीक है। अब देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट में देखो, फिफ्थ पार्ट में क्या है हमारे पास, 2/11 देख लेते हैं, 2/11 ये ऊपर वाले क्वेश्चन में पता चल गया था ना, रिमाइंडर 3 आया वही आ गया जो डिविडेंड था, तो बस आगे करने की जरूरत नहीं होती, हमें पता चल गया ये रिपीटिंग वाला नंबर है, समझ रहे हो, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो अब देख लेते हैं 2/11 को भी करने की, 2/11 को करते हैं, देखो 2 यहाँ रखते हैं और 11 यहाँ रखते हैं, ठीक है। अब देखो ज़रा नहीं जा रहा तो 0 लगेगी, 0 लगी है तो यहाँ पॉइंट आएगा, और 11 1 11 अब कितना आएगा 9 0, 11 8 88 और देखो ये 2 आ गया। अब अगर 2 आ गया तो इसको करने की ज़रूरत नहीं आ गया, क्योंकि रिमाइंडर वही आ गया जो कि क्या है डिविडेंड है, जिसको डिवाइड करना था, देखो 2 को डिवाइड करना था और अगेन रिमाइंडर वही आ गया, तो इसका मतलब क्या है, अब ये नंबर रिपीट करेगा, तो क्या लिखूंगा मैं आंसर, 0.18 ऊपर बार लगा देंगे, क्योंकि अगेन 1 8 1 8 1 8 1 8 आएगा, चाहे आप करके देख लेना, ठीक है। और कैसे नंबर होंगे ये, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेट भी हैं और
कैसे नॉन टर्मिनेटिंग है, जो कि रिपीटिंग में बार बार क्या आएगा, 1818 1818 1818 1818, ये आता रहेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना ये चीज़ें। अब देखो जरा इसका सिक्स पार्ट, सिक्स पार्ट में क्या है हमारे पास, 329/400 ये है। अब इसको भी डिवाइड करके देख लेते हैं क्या आएगा, 329 को 400 से डिवाइड करते हैं। तो चलो करते हैं इसको 329 और ये रहा 400। देखो ये देखते ही पता चल रहा है कि अभी नहीं जा रहा, तो इसका मतलब यहाँ जीरो आएगी, और अगर जीरो आएगी तो यहाँ पॉइंट आएगा। अब देख लेते हैं किस पे जाएगा, एट पे जाएगा, ये एट पे, एट फोर था 32, तो जीरो जीरो और ये 32, ये आ गया मेरे पास 90। क्लियर, एक जीरो अगेन किस पे जाएगा, अब ये टू पे, 4 2 8, तो मतलब 800 आ गया यहाँ पर, ये कितना आएगा 100, और एक जीरो अगर और ले लिया हमने तो कितना आएगा ये अगेन टू पे 800, फिर कितना आएगा ये 200, और ज़ीरो आएगी तो ये कितना जाएगा 5 पे, 4 5 20 होता ना, ये आ जाएगा। और रिमाइंडर क्या है, ज़ीरो, अगर रिमाइंडर ज़ीरो है तो कैसा है ये डेसिमल, बताओ टर्मिनेटिंग डेसिमल है, कौन सा है टर्मिनेटिंग, तो आंसर कितना आ गया 0.8225। ठीक है, एंड टर्मिनेटिंग है तो लिख देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन बस वही है आपका, अगर बेसिक क्लियर है ना, और अगर नहीं है क्लियर तो एक बार ज़रूर देख लो इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो जो इंट्रोडक्शन वाली है, तब ये चैप्टर कुछ भी नहीं लगेगा आपको। ठीक है, छोटी छोटी बातें, लेकिन बेसिक अगर आपको पता है तो देखो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन डिवीजन कर रहे हैं और देख रहे हैं टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, फिर नॉन टर्मिनेटिंग में भी देख रहे हैं कि रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, ओके, थैंक यू।